गुड मॉर्निंग वाईटी फैम, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे ब्लॉग में बने रहने के लिए एंड तक। तो आज था दूसरा दिन, तारीख थी 20 जून। नहा वहाँ के रेडी हो चुके हैं एंड अब हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए। वैसे सोचा था बाद में, बट गीजर था तो नहाने में कोई इशू नहीं था, नहा नहा ही है। तो लेट्स सी ब्रेकफास्ट में क्या है। थिंग आई सीरियसली डिडंट लाइक अबाउट दिस मैनेजमेंट एंड ऑल कि कोई चीज़ें क्लियर नहीं है। एट द एंड यही हुआ कि अब आप फंस चुके हो। तो ये थे हमारे कूपन जिन्हें लेके हमें मेस में जाना था, जिसको देखने के बाद मेस वाले अंकल जी हमें खाना दे रहे थे। हाँ, तो बस हम गए, अपना ब्रेकफास्ट लिया। ब्रेकफास्ट में उस दिन हमारे पास था आई थिंक चने एंड बर्गर, जिसका मैं वेट कर रही थी, एंड चाय। तो आ गया हमारी टेबल पे हमारा बर्गर, गरम गरम चाय एंड चने। एंड टू बी ऑनेस्ट बहुत ही टेस्टी था, बहुत ज़्यादा ही टेस्टी था। सो राइट नाउ आई एम द ग्राउंड एंड हम वेट कर रहे हैं अपने कूपन्स का मेस के लिए जो चाहिए था। एंड यहाँ हैं हमारे कॉलेज के कुछ बच्चे जो शूट कर रहे हैं आई थिंक। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? ब्लॉगिंग ही कर रहे थे हाँ, इंस्टा के लिए राइट। और कैसा चल रहा है एक्सपीरियंस यहाँ का? हाँ, एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं है, स्कैम्स हो रहे हैं। ओके, और क्या कहना चाहोगे आगे से? आगे से जो आए काशी यात्रा में वो पहले से चीज़ें क्लियर कर ले, अपने कॉन्ट्रैक्ट जो भी करे। हाँ, वरना आपको बहुत लॉसेस करने पड़े। ऐसे बिल्कुल भी ना आए कि हाँ किसी के भरोसे चले आए फिर हो गया। के बारे में बताओ, परफॉर्मेंसेस आर बेटर, लाइक वो तो बहुत अच्छा हुआ। लाइक हां, परफॉर्मेंस से कोई आपकी कैसी हुई? बहुत अच्छा हुआ। और दूसरों का एंजॉय किया? सबसे तो बहुत अच्छा था, लेकिन आज भी ये बार बेस्ट जजेस क्या रिजल्ट का वेट कर रहे हैं आप? ये बार बेस्ट रिजल्ट का वेट हो रहा है एंड कूपन्स का वेट हो रहा है। बिल्कुल वही हो रहा है, देखते हैं क्या होता है। ओके, सो स्टे ट्यून्ड टिल लास्ट, वी विल मीट सून। खेलने के बाद हमने किया अपना लंच एंड देन हम कुछ प्रोग्राम देखने गए जो डांस हमारे कैंपस का था। देन हम रेडी नहीं हुए थे अप्रॉक्स, मीन्स ब्रेकफास्ट के बाद भी हमने कुछ टाइम लाइक एंजॉय किया था इधर उधर, जो मैं कैप्चर नहीं की, डायरेक्ट लंच कर दिया। एंड देन उसके बाद लंच के बाद हमने थोड़ी धूप ली, रेडी वेडी होके हम शाम के इवेंट के लिए निकले, जो कि था स्टार नाइट, जो था दर्शन रावल का। एंड यस, बस हम अपने फैकल्टीज एंड कुछ कॉलेज के स्टूडेंट जूनियर्स के साथ हम रूबियो ने स्ट्रेस तो बहुत था कि बहुत से बार एनर्जी के स्कूल कॉलेजेस से यहाँ पे स्टूडेंट्स आए थे। एंड जैसा कि आप देख रहे हो बच्चे भाग रहे थे, मुझे भी एक सेकंड में समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है, क्योंकि हमारे कॉलेज में तो कभी ऐसा हुआ नहीं। तो बस ये इसलिए था ताकि सब यू नो आगे लग सके एंड पास से दर्शन रावल को देख सकें। तो बस एक्चुअली हुआ क्या था, फ्रंट में तो बहुत अच्छी खासी भीड़ थी और साइड में नहीं था, तो हम तो साइड में गए थे और हम सबसे आगे लग गए। देन उसके बाद हम और थोड़ा आगे बैरिकेटर्स के पास पहुँचे, देन हम बैरिकेटर्स को भी क्रॉस करके आगे चले गए। तो बस हमारा तो फायदा हो गया, हम लेट थे सही है, जो भी था अच्छा ही हुआ। तो बस हम यहाँ पर तो सबसे आगे थे एंड वेट कर रहे थे सब लोग यहाँ पे फॉर अ मिमिक्री, फॉर अ मिनट आई थिंक एक बंदा आया था डीयू का जो था, एंड उसने कुछ देर तक स्टेज को लाइक हैंडल किया। बाकी सिक्योरिटी सेल वगैरह भी काम कर रही थी, अपना वॉलंटियर्स भी लगे हुए थे, बट रश इतना ज़्यादा था एंड आई डोंट नो, जो कि नहीं होना चाहिए ऐसे कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल के प्रोग्राम्स में। मतलब स्टूडेंट्स ही थे, उनको समझना चाहिए था थोड़ा सा, यू नो रश वगैरह जो था उसको नहीं होने देना चाहिए था। जो चीज़ें वहाँ प्रॉब्लम्स हो रही थी या मुझे दिख रही थी बींग अ गेस्ट, अगर ऐसी चीज़ें हम नोटिस कर रहे हैं तो वो तो सही नहीं है। बट ठीक है, ऑल ओवर प्रोग्राम अच्छा था एंड सब कुछ अच्छे से हुआ। तो बस यहाँ पे मैनेजमेंट जो कि आप देख रहे हो चल रहा था, एंड यू नो वो स्टार्स को थोड़ा स्पेशल फील कराने के लिए थोड़ा सा यू नो ऐसा टाइम लिया जाता है। आ रहे हैं कर कर के आधे घंटा निकाल दिया था उन्होंने। बस फाइनली वो आया भी था। जाओगे ना
कुछ सेकेंड्स लाइक एंड यू से इन्जॉय करने के बाद मेरे को थोड़ा सा लाइक बोरिंग लगने लगा इवेंट, बिकॉज मेरे दर्शन रावत थोड़ा सा बोरिंग पर्सन था, तो बस मैंने सोचा कि यहाँ खड़े रह के फालतू ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से अच्छा हुआ कि मैं हॉस्टल जाऊँ, देन हम बस ऐसे ही कुछ थोड़ा बहुत रिकॉर्ड करते हुए मैं हॉस्टल चली गई। हाँ, मुझे सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो लगी, यहाँ का ये लॉ डिपार्टमेंट था, जस्ट जहाँ प्रोग्राम हो रहा था उसके सामने, देख के अच्छी वाइब आई, बट कोई नहीं, देखने का मौका मिल गया। बीएचयू का कैंपस का एलएलबी डिपार्टमेंट, आई डोंट नो ये फैकल्टीज़ का था या नहीं। उसके बाद मैं हॉस्टल आ गई, चेंज वेंज करके लिए मैं गई डिनर के लिए। डिनर में बहुत ही स्पेशल खाना था जो कि था पाव भाजी एंड पूड़ी एंड सब्जी, तो हमने ऑलमोस्ट सब लिया। एंड देन उसके बाद खाने के बाद मैं थोड़ा सा वॉक पर निकल गई थी अपने हॉस्टल के आसपास, खाने के बाद मैं सो गई थी। तो बस आज के लिए इतना ही था, एंड आई वुड लाइक टू से डू लाइक सब्सक्राइब टू माई चैनल बी सिस्टर गाइस, लेट्स मीट यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग।